लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे फुली ऑटोमेटिक रिसिप्ट पेमेंट एंड डे बुक। रिसिप्ट पे क्लिक करें, रिसिप्ट में जाए तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रिसिप्ट का डेटा है। अब दोस्तों एक और एंट्री करते हैं, नाम भी दे सकते हैं, पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेमेंट्स में जाए मिनहास का डेटा यहाँ पर आया है। ये एक फुली ऑटोमेटिक है, जैसे आप एंट्री पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट में डेटा आएगा, पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा पेमेंट में आएगा और डे बुक में दोस्तों डे बुक में ऑटोमेटिकली दोस्तों अपडेट होता जाएगा अगस्त सेल। तो इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, अभी मैं थोड़ा सा इसका फार्मेट आपको बना के दे देता हूँ। दोस्तों फार्मेट बनाते ही यहाँ से सेलेक्ट कर दें और यहाँ से दोस्तों हमने वी में ग्रिड लाइन ख़त्म किया और यहाँ से दोस्तों होम में जाए बैकग्राउंड कलर दिया ये वाला। अब दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट में जाए, शेप में जाए, ये वाला शेप सूट आए, यहाँ शेप फिल में ये वाला कलर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। यहाँ पर राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, रिसिप्ट, यहाँ पर राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, पेमेंट्स, यहाँ पर राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, डे बुक को सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, तो यहाँ से सेंटर ऊपर क्लिक करें, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दें, यहाँ से दोस्तों बोल्ड कर दें और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दें, यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट में जाए और यहाँ से शेप फिल पे क्लिक करें, ये वाली कलर दे दें और कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसको ऊपर ले जाए, यहाँ पर क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट, रिसिप्ट एंट्री और यहाँ पर सेलेक्ट राइट क्लिक पेमेंट्स एंट्री ऊपर कर दें, फॉन्ट साइज बढ़ा दें और बोल्ड कर दें, इसको दोस्तों सेलेक्ट कर दें और यहाँ से इसको वाइट कर दें कंट्रोल एस। यहाँ पर दोस्तों हमने राइट क्लिक और रीनेम में गए, यहाँ पे डे बुक क्लिक है इस तरह, इस पर राइट क्लिक रीनेम में डे बुक, इस तरह दोस्तों इस पर राइट क्लिक रीनेम डे पेमेंट्स, राइट क्लिक रीनेम डे बुक, उसमें दोस्तों डैशबोर्ड लिखा। अब दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि सेलेक्ट कर दें कंट्रोल सी, रिसिप्ट में जाए और यहाँ पर सेलेक्ट कर दें पे स्पेशल स्पेशल पे स्पेशल में दोस्तों ट्रांसपोज ओके कर दें, इस तरह दोस्तों पेमेंट्स में जाए पे स्पेशल ट्रांसपोज, इस तरह दोस्तों डे बुक में जाए, यहाँ पे बल्कि हमने अलग अलग लिखना है। अब दोस्तों एस्केप कर दें, यहाँ से ऊपर हेडिंग दे दें रिसिप्ट, यहाँ दोस्तों बैकग्राउंड फ़ॉन्ट कलर इनको सेलेक्ट कर दें कंट्रोल वन, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर क्रॉस सिलेक्शन ओके कर दें, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दें यहाँ तक, टेबल एज फॉर्मेट ये वाली टेबल दे दें, माय टेबल एज हेडर ओके कर दें, होम ये वाली कर दें, इसको भी दोस्तों सेलेक्ट कर दें ये वाला दे दें, कंट्रोल एस ये वाला हटा दें डिलीट कर दें, इस तरह दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर दें और यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट एस टेबल ओके।
सेलेक्ट किया, होम बैकग्राउंड कलर, डिलीट, यहाँ पर दोस्तों लिखे पेमेंट्स, सेलेक्ट कंट्रोल वन, जनरल की बजाय सेंट्रल क्लास सिलेक्शन, ओके, बैकग्राउंड यहाँ से फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे, कंट्रोल एस, इस तरह दोस्तों डे बुक, पेमेंट्स और बैलेंस सेलेक्ट कर दे, और यहाँ से फॉर्मेट एस टेबल, माई टेबल एज हेडर, यहाँ से होम में जाए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, यहाँ पे सेलेक्ट कर दे, डे बुक, कंट्रोल वन, सेंटर क्लास सेलेक्शन ओके कर दे, बैकग्राउंड फॉन्ट कंट्रोल एस और बोल्ड कंट्रोल। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ रिसिप्ट में और पेमेंट में एक डमी एंट्री पास करते हैं, इसी को दोस्तों मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ दोस्तों रिसिप्ट में जाए, सेलेक्ट कर दे डेट को, और यहाँ पर दोस्तों पे स्पेशल पे क्लिक करें, ट्रांसपोज, तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये डमी एंट्री पास कर दिया। ये इसलिए दोस्तों हम पास करते हैं कि फिर आपका जो एंट्री पास करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन नीचे आएगा, अदरवाइज मसला करेगा। तो ये जो हमारा सीट पेमेंट और डे बुक है, इनको दोस्तों इन शीट के साथ हाइपर लिंक करते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो क्या तरीका है, यहाँ अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, सेलेक्ट करें और राइट बटन क्लिक करें, और यहाँ पर हाइपर लिंक की जगह दोस्तों इस लेटेस्ट वर्जन में लिंक्स का ऑप्शन है, लिंक पर क्लिक करें, और यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, ये रिसिप्ट है दोस्तों हमारा, तो रिसिप्ट को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रिसीट पे ले जाता है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करें, पहले सेलेक्ट कर दें, राइट क्लिक, और यहाँ पर लिंक, और यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पेमेंट्स, ओके क्लिक कर दें, तो आपको पेमेंट्स वाली शीट में ले जाता है। इस तरह दोबारा डे बुक में जाए, डे बुक को सेलेक्ट कर दें, राइट क्लिक, और अपने माउस का राइट बटन क्लिक करके लिंक्स पे क्लिक करें, और यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में दोस्तों डे बुक को सेलेक्ट कर दे और ओके कर दे। तो इस तरह दोस्तों आपको डे बुक पे ऑटोमेटिकली ले जाता है। यहाँ तक तो उम्मीद है दोस्तों क्लियर है। और ये जो डमी वो है दोस्तों, एक ट्रांजेक्शन हमने पास किया, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इस तरह दोस्तों पेमेंट में जाए, इसको सेलेक्ट कर दे, फर्स्ट सेल को पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर ट्रांसपोज ओके कर दे। तो यहाँ भी दोस्तों हमने एक डमी ट्रांजैक्शन पास कर दिया। अब दोस्तों डैशबोर्ड में आते हैं, और यहाँ पर अब दोस्तों जो सबसे बुनियादी काम हो रहा है इसको ज़रूर और गौर से देखें। यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, हमारे पास दोस्तों डिवेलपर टैब नहीं आ रहा है, डिवेलपर टैब नहीं आ रहा है, तो क्या करें, यहाँ पर दोस्तों राइट या यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर दोस्तों कस्टमाइज रिबन में जाए, और यहाँ से दोस्तों डेवलपर टैब आप देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ से ओके कर दे। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर डेवलपर टैब आ गया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अब दोस्तों डेवलपर टैब पे क्लिक करें, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें, तो हमारे पास दोस्तों जो फर्स्ट शीट है वो रिसिप्ट का है, तो यहाँ पर दोस्तों लिख दे रिसिप्ट, ओके कर दे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा दोस्तों डेटा है इसको सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सी कॉपी कर दे। इसके बाद दोस्तों आपने जाना है रिसिप्ट में, और रिसिप्ट में दोस्तों जाना क्यों है, ये जो हमारा डेट का सेल है यानी B4, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करें। डाउन एरो प्रेस करने से दोस्तों ये हमने नीचे दोस्त वो सेलेक्ट किया, फर्स्ट जो सेल है यानी B5 सेलेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर दोबारा डेवलपर टैब में जाए, ऑलरेडी हमारे पास सेलेक्ट है, और यहाँ पर दोस्तों यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस फर्स्ट डेट पे क्लिक करें और कंट्रोल
डाउन एरो सेलेक्ट कर दे, कंट्रोल सेलेक्ट कर दे और सिर्फ कंट्रोल की बजाय डाउन एरो एरो की प्रेस करें। दोबारा दोस्तों कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल की बजाय सिर्फ डाउन एरो की प्रेस करें ताकि ये सेल नीचे सेलेक्ट हो जाए। यहाँ पर दोस्तों अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों आपके पास पे स्पेशल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और ट्रांसपोज पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो हमारा दोस्तों जो डेटा है वो यहाँ पे कॉपी हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है नेक्स्ट, दोबारा दोस्तों डैशबोर्ड में आइए और ये जो सेलेक्ट डेटा है इसको दोस्तों और यहाँ से दोस्तों इसको क्लियर कर दें। क्लियर करने के बाद दोस्तों दोबारा डेवलपर टैब में जाइए। डेवलपर टैब में जाने के बाद दोस्तों स्टॉप मैक्रो पे क्लिक करें रिकॉर्डिंग। यहाँ तक दोस्तों काम हो गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब दोस्तों यही प्रोसेस हम जो हम किया है इसको दोस्तों पेमेंट के लिए करना चाहते हैं कि जब हम पेमेंट एंट्री कर पास करना चाहें तो ऑटोमेटिकली हमारा पेमेंट का जो वो है वोचर है इसमें ऑटोमेटिकली पास हो जाए, तो इसके क्या तरीका है। सबसे पहले दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल सी, और फिर दोस्तों यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करें। अब दोस्तों डेवलपर टैब में जाए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों नाम दे दें पेमेंट, पेमेंट्स पेमेंट्स, ओके कर दें। हमारा दोस्तों मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो गया, सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल सी। अब दोस्तों पेमेंट में जाए, पेमेंट शीट में जाए और ये जो फर्स्ट डेट का सेल है इस पर क्लिक करें और दोस्तों कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करें तो हमारा एरो की नीचे आया। दोबारा दोस्तों डेवलपर टैब में जाए और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करें। दोबारा दोस्तों एरो की से नीचे आए, एरो की क्लिक करें एक दफ़ा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एरो की आ गया। यहाँ पर दोस्तों अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, यहाँ स्पेशल पे स्पेशल में पे स्पेशल और यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपोज पे क्लिक करें और ओके कर दें। तो हमारा डेटा दोस्तों यहाँ से कॉपी हो गया। दोबारा दोस्तों डैशबोर्ड में आए, एस्केप कर दें और ये जो डेटा है दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दें और डिलीट के बटन से डिलीट कर दें। यहाँ पे क्लिक कर दें फर्स्ट सेल पे, डेवलपर टैब में जाइए और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे कोई और डेटा पुट करें, परचेज ऑफ गुड्स कर दें, कर दिया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पेमेंट्स एंट्री पे को सेलेक्ट कर दें, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, असाइन मैक्रो पे क्लिक करें, पेमेंट्स को सेलेक्ट कर दें, ओके कर दें। अब दोस्तों इस पे क्लिक कर दें, पेमेंट्स में जाइए तो हमारा पेमेंट्स का डेटा दोस्तों ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं 3 अगस्त नूरेंट को, इससे पहले जो किया था वो भी दोस्तों हो गया भाई। एक पहले दोस्तों हमने डमी एंट्री इसके लिए पास किया था, वो इसलिए ताकि हमारी नेक्स्ट एंट्री स्टेप वाइज पास होता जाए। यहाँ पर दोस्तों कुछ और पास करते हैं, रिसिप्ट एंट्री, यहाँ दोस्तों रिसिप्ट में जाए तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों आमिर एंड को, पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं, पेमेंट्स में चेक करें, रहीम एंड को 23,000 अगस्त 21, तो ये दोस्तों फुली कस्टमाइज हैं। अब दोस्तों यहाँ डे बुक में हमने क्या करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ डैशबोर्ड में एंट्री करें उसका ऑटोमेटिकल दोस्तों रिसिप्ट में इफ़ेक्ट हो, रिसिप्ट में इफ़ेक्ट हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट्स में हो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डे बुक में ऑटोमेटिकली वो एंट्री रिसिप्ट पेमेंट के दोनों पास होते जाए। अब दोस्तों यहाँ पर यह हमारे पास डे बुक पे क्लिक करें और यहाँ पर दोस्तों बनाएं इंसर्ट शेप और यहाँ पर ये वाली शेप बनाएं, यहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे लिखे डैश बोर्ड, राइट क्लिक करें और यहाँ पर लिंक और यहाँ से
डैशबोर्ड ओके कर दे तो यहाँ से हमने लिंक कर दिया। यहाँ दोस्तों हम चाहते हैं कि रिसीट पेमेंट और बैलेंस ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये अपडेट होता जाए। तो क्या तरीका है, सबसे पहले डेट दोस्तों मैनुअली पुट करते हैं, फर्ज करें अगस्त 1, 2022, इसको दोस्तों नीचे तक ड्रैग कर दें जहाँ तक है, वो ऑटोमेटिकली इसके रिकॉर्डिंग मुताबिक आएगा। रिसिप्ट में दोस्तों क्या करना है, इक्वल टू रिसिप्ट का फर्स्ट सेल अमाउंट का, इस पर क्लिक कर दें और एंटर कर दें। यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली ये आ रहा है, वरना आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पेमेंट के लिए इक्वल टू पेमेंट्स में जाए, जो फर्स्ट पेमेंट है इस पर क्लिक करें और एंटर कर दें, तो ऑटोमेटिकली इससे दोस्तों सारा पेमेंट यहाँ पे आ गया। अगर नहीं आ रहा तो इसको दोस्तों आपने आगे ड्रैग करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों एंट्री करते हैं, पेमेंट किस डेट तक हुई है, 5 तारीख का मैं करता हूँ, 8/5/2022, पर्टिकुलर आदिल एंड को बैंक 5000 परचेज आइटम्स। यहाँ पेमेंट पे क्लिक करें, पेमेंट्स में चेक करते हैं, 5 तारीख को आदिल एंड को बैंक 5000 परचेज आइटम्स, ये हमने गलती किया पहले दोस्तों, उसके साथ नरेशन गलत लिखा है। डे बुक में देख चेक करते हैं तो 5 तारीख को, तो दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, इसी को आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर पेस्ट, तो जस्ट आपने क्लिक करना है, डैशबोर्ड में आ जाता है। मज़ीद दोस्तों इस पे काम करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद कस्टमाइज़ करेंगे, मज़ीद वोचर इसमें डालेंगे रिसिप्ट पेमेंट के अलावा, और भी वोचर डिपोज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों डेट दो भी डाल सकते हैं, डे बुक में रिसिप्ट का अलग पेमेंट का अलग। अभी तो दोस्तों ये रिसिप्ट डेट है, फर्ज करें ये पेमेंट डेट है, एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट रिसिप्ट डेट, तो यहाँ से दोस्तों आप कर दें इक्वल टू रिसिप्ट एंटर, तो यहाँ पर इसके डेट्स आ गए दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों 8 अगस्त को हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ने 8 अगस्त का कर दिया। तो ये भी दोस्तों इसके साथ हो सकता है, आप इस तरह इसमें सेटिंग कर लें। फर्ज करें दोस्तों मैं एक और कर लेता हूँ, बल्कि ज़रूरत नहीं है, अब जैसे पेमेंट डेट का दोस्तों ये है और रिसिप्ट डेट दोस्तों ये हैं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों ये आपस में एडजस्टमेंट कर लेता है। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आएगी। आज के लिए हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर कुछ करें।